ask her not to take my too much blood. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जर्मन। आपके साथ मैं ये व्यू शेयर करना चाहता हूँ। ये देखो, आज अच्छी धूप हो रही है, बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि हमारे इंडिया आने के लिए सिर्फ अभी 2 दिन ही बचे हैं कि आज से मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर जर्नी, हाउ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम हाइडलबर्ग एंड गोइंग टू इंडिया। ये सारा कुछ आप रिवील होना शुरू हो जाएगा, तो व्हाई नॉट जॉइन अस एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर जर्नी। लेट्स डू इट। तो ये देखो दोस्तों, मेरे पीछे ये हाइडलबर्ग कासल है। तो क्यों ना आज यहाँ से ही व्लॉगिंग शुरू करी जाए, आपको छोटा सा मिनी टूर दिया जाए ओल्ड ब्रिज का। ये देखो, अभी मैं ओल्ड ब्रिज पर आ गया हूँ और उसी पे ही अपनी साइकिल लेके वॉकिंग कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में वो कासल है। आपको यूरोप में आना है और आपका जर्मनी में आने का प्लान है तो हाइडलबर्ग तो पक्का मार्कअप कर लेना, क्योंकि इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक सिटी टू विजिट। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, यहाँ की वाइब्स बहुत ही अलग है और यहाँ आपको आके मजा आ जाएगा। आपके लिए व्लॉग भी बनाऊंगा कि आपको पता चलेगा कि हाइडलबर्ग में हाउ कैन यू हैव अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहता हूं मैं, देसी जर्मन। अब देसी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, हमारे लिए देसी का मतलब है ऑथेंटिक। ऐसा इंसान जो कि वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकता है पर वो अपने कल्चर को अपने साथ लेके चलता है। सिंपल भाषा में कहे तो जैसा देश वैसा भेस ही रखता है, डीपली रूटेड तो रहता ही है। तो ये ही देसी की डेफिनेशन है और इसीलिए ही हमारे चैनल का नाम भी देसी जर्मनी है। ओल्ड ब्रिज के पास आ चुके हैं और ये जो गेट है ना आपके सामने, आइकॉन है हाइडलबर्ग का। हाइडलबर्ग इसी के कारण ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। इतनी सारी कंपनीज है, उनका लोगो भी यही है। और उसके साइड में आप देखोगे तो वहां पर कासल है। आज तो ठंड भी काफी हो रही है दोस्तों, वैसे आज इतनी धूप है, वो देखो मेरे पीछे, पूरी प्रॉपर विंटर जैकेट पहन के आपके साथ बात कर रहा हूं मैं। धीरे 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 सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस कराएंगे। इसी टावर गेट से ओल्ड टाउन में एंटर कर चुके हैं। ओल्ड टाउन को जर्मन में अल्टस्टाट बोलते हैं, अल्टस्टाट। ये जो चीज है, ये भी हाइडलबर्ग का मॉन्यूमेंट है। वैसे इसकी हिस्ट्री सिर्फ इतनी है, इसको यहाँ पे इसलिए लगा रखा है क्योंकि इट आल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो काफी मतलब लोगों की यहाँ पे सुपरस्टिशन की इसको छुओगे तो आपको लक मिल जाएगा, यू नो, ये सारी चीजें तो इनके बनावटी है। अभी आपको ना पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी आवाजें सुनाई दे रही होंगी। सारे चर्च में यहाँ पे क्लॉक टावर तो होता ही है, तो हर 15 मिनट में वो घंटा बजाते हैं। जैसे कि अभी 12:30 बजे हैं तो वो 2 बार घंटा बजाएंगे हर 15 मिनट में, तो उससे टाइम का पता चलता रहता है। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि इस यही एक कारण है जिसके कारण लोग यहाँ पे टाइम कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं और शायद वो टाइम को फॉलो या टाइम को रिस्पेक्ट भी इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द चर्च। ऐसा मेरी थ्योरी है, अगर कुछ इसमें ऊंच नीच है तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताना आपको क्या लगता है। तो ये जर्मन्स का बहुत अच्छा नेचर है और एक बार वो आपके अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं तो देन दे स्टिक विद यू। एक जर्मन आपका फ्रेंड है, अगर आपने उसको टाइम दिया है कि भाई ऐसे है 1 बजे मिलते हैं, तो वो बंदा आपको 1 बजे ही मिलेगा। तो ये बहुत ही मतलब एक कमिटमेंट, एक सिंसेरिटी फॉर योर वर्ड्स, सो दिस इज़ व्हाट आई रियली एडमायर। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, और यही जो हमारा कैरेक्टर है उसको डिफाइन करती हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, आपको कैसा लगता है आप बताओ थोड़ा। तो फ्रेंड्स, अभी मुझको थोड़ा सा शॉपिंग करना है, उसके बाद में एक कैफ़े में जाएंगे और फिर उसके बाद अपना घर जाके पैकिंग करेंगे। आपको घर का भी थोड़ा सा आज व्लॉग, आज से तो शुभारंभ कर दिया है, आज से तो शुरुआत कर दी है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी अपने सारे काम से फ्री होके मैं जा रहा था, ईफा की कॉल आई कि अभी हम 5 हफ्ते के लिए इंडिया आ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, वो भी आपको बताएंगे। देखो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ, वो अंदर खड़ी हुई है, सो आपको अंदर आपको दिखाते हैं क्या होने वाला है। Ifa, why don't you tell us where we are now? We're in the University Hospital of Heidelberg. And why you invited me here today? Lord has had his COVID-19 vaccination and now I'm going to measure his antibodies. यहाँ पे नर्स का ऑफिस है, ये मेरा ब्लड लेगी, आपको दिखाते हैं कितना सारा खून लेंगे आज मेरा। देखो ये कितनी खुश हो रही है। ये देखो दोस्तों, ये तीसरी बॉटल ब्लड इतना सारा खून दे दिया, तो 5 बॉटल खून निकाल चुके हैं। देखो कितना शुद्ध शुद्ध खून है, बिल्कुल देसी खून। All done. ये देखो 5 बोतल मेरा खून निकाल लिया है, शुद्ध देसी खून। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आज आपको दिखाते हैं ब्रिलियंट साइंटिस्ट क्या करते हैं। This we can look at your RNA. This is the most important one. It's called a serum tube. This is also very important. It's a heparin tube. And with this we're going to isolate your blood cells, so your immune cells. So we're going to store them in our biobank. Shall I show you my biobank? आप किसी साइंटिस्ट को जानते हो तो ये देखो, वो सारा दिन ये काम ही करते हैं, पिपेटिंग वाला काम। और मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों का ब्लड लिया गया है, क्योंकि ईफा जो काम कर रही है ना, वो दैट विल बी काइंड ऑफ पैरामाउंट फॉर कोरोना। वो भी आपको आगे आगे बताएंगे जैसे जैसे और इसकी पब्लिकेशन होएगी, फिर उसके बाद में आपको ये राज भी, ये सीक्रेट भी शेयर करेंगे। शी टुक माई ब्लड 2 लीटर। देखो आधा लीटर खून लेके कितनी खुश हो रही है, देखो देखो देखो, इसका एक लाइक तो बनता है। How do you feel if after taking my half a liter blood? Good, very happy. Start your own therapeutic company, Ifa. अभी पैकिंग वगैरह सब कुछ आज फिनिश हो जाएगी रात को। Hi daddy. Hi sweetie. ये देखो दोस्तों, Arun's new favorite toy. Show the guys. Where are you going in India? The hotel in India. Which hotel? In Goa. And what about the safari? Safari also. Good night, Daddy. Good night, Harry. Yeah. Good night, Kara. ये देखो फ्रेंड्स, हमारे बेड पे महाराजा। 12 बजने वाले हैं दोस्तों। पहला व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। आपका प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्लॉग में बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय। Now you can take off your half mask.